फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए, सिवाना उधर खेल रही है प्ले जिम में अपने, और मुझे मिला है गुड मॉर्निंग करने का टाइम। तो गाइस, पता नहीं मुझे आज पिछले 2-3 दिन से ऐसा लगा कि शायद सिवाना मुझे पहचानने लगी है। वो मेरे से बहुत आई कॉन्टैक्ट करती है, मुझे देख के बहुत अच्छे मतलब, और जब भी किसी और के पास होती है तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है। और एकदम से मैं अगर कोशिश करूँ कि मेरे पास आ जाए तो एकदम तो शांति होती है, लेकिन मेरे पास काम हो जाती है। तो क्या वो मुझे पहचान रही है, मतलब जो मैं समझ रही हूँ क्या वो वही है? एंड इट फील्स वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल। और आई फील गुड, अच्छा लगता है मुझे कि जो हमारी 2-3 महीने की मेहनत है वो अब दिख रही है, कॉन्टैक्ट कर पा रहे हो अब अपने बच्चे से। और हनी के लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि बेचारा बाप भी, बट बाप का टाइम भी आएगा, पहले माँ का तो अब आएगा। कि आइए देखिए सिवाना क्या कर रही है। दिस एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड, बिकॉज इससे उनकी पूरी बॉडी, साउंड, कान, आँख, सब चीज़ों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपका बच्चा हर चीज़ पर रिएक्ट कर पाएगा, आपको भी दिखेगा कि वो हर चीज़ पर रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। तो इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन सच टॉयज। इसका पहला ही टॉय है ये तो, मैंने पहले ही 1 महीने पहले ले लिया था, जब वो 2 महीने की थी मैंने तभी ले लिया था। बट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड दैट टाइम, मुझे भी मतलब मेरे को था कि मैं शुरू से इसको आदत डालूंगी। तो नाउ शी इज़ हैप्पी इन दिस एंड वो आराम से आधा पौना घंटा निकाल लेती है इसमें, देन शी वॉन्ट्स टू स्लीप। गुड मॉर्निंग सिवाना, गुड इवनिंग कर रही हूँ सबको। तो ऑफिस से मैं निकल गया हूँ, आजकल मैं थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ, और वैसे भी अब फ्राइडे है, आज वीकेंड स्टार्ट है, देखते हैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे भाई, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि भाई घर में बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, ऑफिस डेज में तो समझ आता है कि यार कहाँ निकलेंगे, अगले दिन ऑफिस भी जाना होता है, इन सब कुछ है। तो देखते हैं। आप तो हो ही नहीं, आपको किसने बता दिया मेरा प्लान? कैसे पता मेरा प्लान आपको? ये तो सिर्फ मम्मा डैडा का प्लान है, दीयू का नहीं। तो अभी मैं घर आया था और विशाली और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या करें, बाहर जाएं तो कैसे जाएं, सिवाना को तो ले जाना पड़ेगा, ऑस्टिन को छोड़े या ऑस्टिन को भी ले जाएं, या जाएं ही ना, या बाहर से कुछ मंगा लें। मतलब अब होता क्या है ना, वीकेंड होता ही ऐसा है थोड़ा सा, अब जो जिन लोगों की जॉब है, जो ऑफिस जाते हैं, उन लोगों के लिए तो वीकेंड ही है, आप लोग समझ सकते होंगे, जो इन्जॉय करने के लिए होता है, मतलब कि हाँ भाई अब फ्रीली रहो, सुबह जल्दी उठने का चक्कर नहीं, ऑफिस का चक्कर नहीं, आराम से लेट तक सो, बाहर से मंगा मंगा के खाओ, ये वो बाहर जाओ, मतलब उस तरीके से कह रहा हूँ मैं, आप समझ लो। तो वही हम सोच रहे थे, अब देखते हैं पहले ऑस्टिन की पॉटी वॉटी हो जाए, फिर मैं निकलूँगा जिम, एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, और लेट्स सी। तो अभी सुसु वॉक के लिए हॉस्टल को नीचे लगा हूँ, ओनली अ शॉर्ट सुसु वॉक, थोड़ा सा इसका भी चेंज हो जाता है, वरना ये बैठे बैठे ना खाता रहता है। इस वक्त तो इसके खाने का टाइम स्टार्ट हो जाता है, और ये भाई रात को जब तक हम सोते नहीं ना, खाता रहेगा कुछ ना कुछ, इसको चाहिए होता बस। अभी इसके वहाँ पर दुश्मन है तो ये आगे जाएगा नहीं, चलो वापस ले। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग कहीं नहीं गए, अब हम लोग
कल ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं। अभी तो ऐसे बैठे हुए, शिवाना सो रही है, वेट कर रहे हैं कब कुछ अच्छा होगा। ये लगी हुई है रील वील डालने, पता नहीं क्या क्या कर। तो दोस्तों जिनके भी बच्चे हैं उनकी जीभ साफ करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीभ पे दूध चिपक जाता है, दुनिया भर का दूध चिपक जाता है और बदबू आती है इतनी गंदी खट्टे खट्टे दूध की। तो मम्मा जीभ साफ कर रही है, ऑल दो इसका टंग क्लीनर मंगा रखा है हमने, बट उससे ज्यादा अच्छा देसी माता, उससे ही कपड़े से ज्यादा अच्छा साफ होता है ना, उसकी वजह से ज्यादा मुंह खोलना पड़ता है, वो बड़ा है। और वैसे भी ज्यादा पीछे तक मुझे लगता है जीभ साफ हो पाती है। दिखाओ जड़ा को कितनी हुई है, दिखाओ जड़ा, दिखा दो थोड़ी सी। ये देखो ये पांडा, ये छोटू पांडा है हमारा, छोटू पांडा है। जब ऑस्टिन ऑलमोस्ट स्ट्रोक हो गया था, पता नहीं क्या इसके गले में फंसा था और बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था। देखो छोड़ो इसको, रिलैक्स, नॉर्मल छोड़ो, ठीक है। या तो ये कुछ खा के आया बाहर से, मतलब कुछ ना कुछ मुंह में डालता ही रहता है। बाकी मैं इसके साथ अभी टक खेल रहा था, वैसे ये रस्सी खींचते खींचते एकदम से इतना गंदा चोक हुआ ना, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, आज आवाज भी निकली थी बेचारे की रोने की, पता है। ओ मेरा बच्चा, अब ठीक है गुड बॉय। तो अभी अभी शिवानु ने पॉटी करी है और डैडा ने इसकी पॉटी साफ करी है, और जो पेरेंट्स होंगे उन लोगों को अच्छे से पता होगा, और जो पेरेंट्स नहीं है मैं उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ। आप जब भी बेबी को नैपी पहनाओ या क्या बोलते हैं इसको डायपर पहनाते हैं, तो कभी भी ना ऐसे उठाना नहीं चाहिए, हमेशा इसको ऐसे टर्न करो और पीछे से चढ़ाओ ऐसे। इससे क्या होगा, इसकी बैक कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बैक में, वरना अगर आप ऐसे उठाओगे कभी भी झटका दे बच्चा कुछ करे तो उससे बैक में प्रॉब्लम आ सकती है। हमने भी ये इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा ही था, तब जाके हमें ये पता चली थी चीज़, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी पता चले। कैसे आना चली घूमी घूमी, चलो मॉल चले, मार्केट चले, चलो मार्केट, ये बच्चा कहीं ले जाने वाला है नहीं वैसे, चलो मार्केट। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कि हम कैसे लगेंगे। भाई हमारे पास ना घूमने फिरने का पूरा सामान है, बच्चे का स्ट्रोलर, चेस्ट बैग, सर्दियों के जूते, सब सामान है, लेकिन हम घूमने नहीं जा सकते हैं क्योंकि बच्चा छोटा। और जो डिनर में बन रही थी तड़के वाली मैगी और मक्खनी मैगी मान लो आप, क्योंकि मैं इसमें डालती हूँ दूध, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो डिनर में ना दाल बनी थी, खाने का मन नहीं था, तो विशाली ने ये तड़के वाली मैगी बना दी है, और अपने लिए भी और मेरे लिए भी। और अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिग बॉस। शिवाना को भी जब मम्मा किचन में थी तो मैं सुला रहा था, सो नहीं रही थी, अब इसको दूध पीने का मन है इसलिए उठ गई है। तो खा के देख फटाफट कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगी यार, मस्त है ना, हाँ बहुत मस्त बनाई है। और ऊपर से ना इसने ये ओरिगैनो वगैरह करके थोड़ी इटालियन टाइप्स बना दिए, तो इसको एंजॉय करते हैं फिर बाद में मिलते हैं। और कल का व्लॉग एंड नहीं कर पाए थे इसलिए अब एंड कर रहा हूँ, तो बाय बाय, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे व्लॉग्स, हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है। बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में।